फतेहाबाद की जाट धर्मशाला में आज बीजेपी और बीएसपी की संयुक्त कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जेजेपी नेता और पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह और बीएसपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र प्रजापति ने शिरकत की। इस दौरान 25 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती को लेकर भी कार्यकर्ताओं को मजबूती से काम करने पर चर्चा की गई। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे जिला स्तर पर जेजेपी और बीएसपी कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक कर संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने आयकर विभाग द्वारा कुलदीप बिश्नोई पर की जा रही कार्रवाई को लेकर भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी पिछली सरकारों में सीबीआई और ईडी को तोता बोलती थी, अब उसी तोते का प्रयोग कर विपक्ष को जाल में फंसाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष पर बीजेपी के द्वारा बदले की भावना से काम किया जा रहा है। वहीं जनवरी आशीर्वाद रैली को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब से वीरेंद्र सिंह ने अमित शाह को रैली के दौरान लठभेंट किया है, तब से बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार भिड़ रहे हैं और लठमलठ हो रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज फतेहाबाद में भी उन्होंने देखा कि कई भावी विधायकों ने पूरे शहर को पोस्टरों से भर रखा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिस स्पीड से भावी विधायक बीजेपी में गए हैं, उससे दुगनी स्पीड से यह वापस भागेंगे। 23 तारीख को बीएसपी जेजेपी की जो संयुक्त बैठक के अंदर निर्णय लिया गया था, उसमें यही फैसला था 22 के 22 जिलों में जाना, संगठन को और मजबूत कैसे बनाया जाए और कैसे गठबंधन आगामी विधानसभा में ताकत बनकर लड़ाई जाए, उसके प्रति कार्यकर्ताओं को जहाँ एक्टिव करें। वहीं आगामी 25 सितंबर को होने वाले समान दिवस समारोह में ऐतिहासिक संख्या में लोग पहुँच कर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को अपने सच्चे श्रद्धा से निमंत्रित करें, इसके लिए घर घर जाकर लोगों को निमंत्रण देने का काम करें। आज फतेहाबाद की जो संयुक्त बैठक है, इसका उद्देश्य यही है कि तीनों हल्के के कार्यकर्ता जो मुख्य पदाधिकारी हैं, उनकी जिम्मेवारी लगाए एक और एक 11 की जोड़ी बनकर घर घर जाकर एक एक व्यक्ति से आज से संपर्क करें और हाथी और चाबी का प्रचार कर अपने कार्यकर्ता एक टीम के तौर पर प्रदेश में परिवर्तन की मजबूत जी। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई का होटल सीज किया गया है आयकर विभाग ने, क्या लगता है आपको, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है? जिस तरह की खबर आपने दी है कोई सीजर हुआ है, मैं तो सुबह 8 बजे का प्रोग्रामों में खबर आई, मगर अगर इस तरह तो विपक्ष के नेता के ऊपर सीजर चल रहे हैं और विधानसभा के चुनाव से पहले चलते हैं, तो एक चीज़ तो साबित कर देता है कि जो बीजेपी सीबीआई को ईडी को तोता बोलती थी, आज कहीं ना कहीं उस तोते के जाल में औरों को फंसाने का काम कर रही है। और जिस तरीके से बदले की भावना के साथ विपक्ष में काम किया जा रहा है, ये अपने आप साबित हो जाता है कि बीजेपी जो कहती थी कि इंडिपेंडेंट एजेंसीज के तौर पे काम करें, आज कहीं ना कहीं एजेंसीज को मैनिपुलेट करके दबाव बना उनसे ऐसे कार्य कराए। जन आशीर्वाद यात्रा इन दिनों विवादों में, कभी कार्यकर्ता भिड़ जाते हैं तो कभी कोई आम व्यक्ति आत्मदाह करने की कोशिश करता है। हरियाणा की निशानी पगड़ी है, हल है, पर पहली बार हरियाणा में लठ दिया था वीरेंद्र सिंह ने अमित शाह, और आज मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो लठ अमित शाह के हाथ में आया, वो दिन और आज का दिन है, ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े ना। और 8 तारीख तक जब तक ये यात्रा समाप्त होगी, आप देख लेना 22 के 22 जिले 90 की 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के कार्यकर्ता लठमलठ हो जीत। मैं तो खुद आपके फतेहाबाद में आया और फतेहाबाद के अंदर पोस्टर देख कर एक चीज़ तो साबित होगी कि आज यहाँ भावी विधायकों की कोई कमी नहीं, और जिस स्पीड से भावी विधायक पोस्टर लगा रहे हैं उनको टिकटें नहीं मिलेंगी, उससे ज़्यादा स्पीड से भागने का काम। सुनने में ये भी आ रहा है विधानसभा के क्या परिणाम रहेंगे? जननायक जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। 75 पार का नारा दे रहे हैं सर, ये किस चीज़ में 75 पार ले जाएंगे? में 75% बेरोजगारी, आपराधिक घटनाओं, बिहार को पीछे छोड़ दो, ये सीटों की बात नहीं कर रहे, ये बता रहे हैं कि पहले से 75% हरियाणा प्रदेश को हमने बर्बाद करने का काम किया है, और दोबारा मौका गलती से दे दोगे तो उसको 75 को भी पार कराए।